स्वागत है किसान भाइयों एक बार नए वीडियो में आपका। आज के वीडियो में हम पटाटो प्लांटर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आलू की बिजाई चल रही है, ये देखिए आप। और ये प्लांटर है बसंत ऑटोमेटिक पटाटो प्लांटर, इसके बारे में बात करेंगे। कितना आज इसका फर्स्ट ट्रायल है, पहली बार आलू बीज रहे हैं, हम भी पहली बार बीज रहे हैं और ये मशीन भी आज पहली बार खेत में चली है। तो पूरा बताएंगे कितना बीज एक एकड़ में इसने डाला, एक एकड़ जगह हम बीजेंगे आज इससे, कितना बीज ये डालेगी, किस टेक्निक पे काम कर रही है, पूरा इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल पेज को फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों ऑटोमेटिक प्लांटर ये मोगा पंजाब की है और लगभग आधा एकड़ हमने आलू बीज दिए हैं और आगे आधा एकड़ अभी बकाया है। तो किस टेक्निक पे काम करेगी ये आपको बताएंगे। देखिए पीछे तीन गियर दिए गए हैं, इसके आलू की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। अगर ज़्यादा बीज गिरना है तो छोटे वाली गरारी पे और मीडियम पे और लास्ट वाली गरारी पर जो सबसे बड़ी है, इस पर ये लगभग 15 क्विंटल बीज डालेगी एक एकड़ का। यहाँ से ये बीज उठा के ला रही है और यहाँ पे ये पत्ती के थ्रू रिलीज हो रहा है, यहाँ से एक एक बीज लेके आ रही है। यहाँ से एक बीज आ रहा है। आगे फर्टिलाइजर के लिए भी सिस्टम दिया गया है, इसमें DAP जैसे हम साथ में डाल रहे हैं, इसकी एडजस्टिंग यहाँ से होती है, ऊपर कम ज़्यादा। दो पर एकड़ हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। ये देखें एक एक आलू को ये यहाँ से लेके आ रही है, यहाँ पे इसके अंदर ये जो है पिन ये पकड़ लेती है, और जब यहाँ पे नीचे आके जब नीचे आता है आलू तो ये यहाँ से ये रिलीज कर देती है, जो पत्ती है ये यहाँ से ऐसे हो जाती है और आलू को रिलीज कर देती है। देखिए यहाँ ये आलू, इसको ये रिलीज कर देती है इस प्रकार से, वो उधर से नीचे तक जब आलू ये पिक करती है तो उसके बाद में ये पकड़ बना लेती है उस पर। मैजिन टेक्निक, बहुत बढ़िया टेक्निक का इस्तेमाल कर रखा है। और आलू देखें आप, आलू लगातार हिल रहे हैं इसमें, ये इसके अंदर जो ट्रे है पूरी हिल रही है। इधर ये एक
क्रैंक शाफ्ट के थ्रू कनेक्ट है, जिससे ये आलू बार बार हिल रहे हैं, जिससे ये जाम नहीं होंगे। आलू फिक्स नहीं है, बार बार हिल रहे हैं आलू। वीडियो में देख सकते हैं, ये इसको हिलाने के लिए ये इधर लगाओ, और नेक्स्ट आगे फर्टिलाइजर टैंक है। बिजाई आप पीछे देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हो रही है, पूरी रो बड़ी बढ़िया तरीके से निकल रही है। देखिए आप, आलू अप डाउन हो रहे हैं, ये अंदर इसके ट्रे जो है बार बार इसको हिला रही है, आलू सेट नहीं होने दे रही है, पूरा आलूओं को बार बार हिला रही है। जो इधर कुकिंग सिस्टम है इसमें से इसके थ्रू जा रही है, देखिए आप आलू एक एक आलू को ये बड़ा आसानी से बढ़िया तरीके से लेके आ रही है, यहाँ से आलू रिलीज हो रहा है, ये देखें आप यहाँ से आके आलू रिलीज हो जाता है, नीचे जमीन पे गिर रही है, देखें आप, और पीछे बढ़िया तरीके से इन पे मिट्टी लग रही है। दोस्तों ये मशीन बनी हुई है बसंत ऑटोमेटिक आलू प्लांटर, आलू बीजने की मशीन मोगा पंजाब से बनी हुई है, और इनका स्क्रीन पे नंबर आपको दिखाई दे रहा है। अब तक इस मशीन का रिजल्ट हमारे को बेस्ट लग रहा है, एक बार मैंने इसको सेट किया है और ये आलू लगभग हमारे पूरे डालेगी, 15 क्विंटल एक एकड़ का पूरा डालेगी, जिस हिसाब से हमने सेट किया है सबसे कम 15 क्विंटल एक एकड़ का आलू डालेगी, 30 गट्टे एक किले के कम से कम डालेगी। और मशीन में जो हमारे को एक कमी दिखाई दे रही है वो है ये, इसका जो पीछे वाला व्हील है बिल्कुल ही नाजुक लग रहा है, ये लॉन्ग टाइम चलने वाला नहीं है, कभी भी ख़राब हो सकता है इनको, मशीन को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए मशीन मैन्युफैक्चरर को। यही दोस्तों आज की वीडियो हमारी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और मेरे एरिया में ये मशीन रेंट पे भी उपलब्ध है, आप बोलोगे तो मैं नंबर प्रोवाइड करवा दूँगा।